आज हम इस वीडियो में प्राइम नंबर का एक प्रोग्राम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया है प्राइम नंबर एग्जांपल का। लेकिन उससे पहले प्राइम नंबर है क्या, उसके बारे में हम समझते हैं। तो प्राइम नंबर यानी कि एक ऐसा नंबर जिससे हम यानी कि वो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। यानी कि मान लो जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे 2 लिया है, तो 2 हमारा जो नंबर है वो एक से डिवाइड हो रहा है और खुद से ही डिवाइड हो रहा है। जैसे कि 2 से डिवाइड हो रहा है, किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं होना चाहिए। और एक और नॉट है यहाँ पे कि 0 एंड जो 1 है, हमारे जो 2 नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो चलो हम इसे प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेन मेथड ली है, उसके बाद मुझे यहाँ पे नंबर की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं यहाँ पे नंबर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं नंबर को इनिशियलाइज़ नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं यूज़र की तरह उसे इनपुट कराऊँगी। और दूसरा मैं यहाँ पे ले रही हूँ फ्लैग, और इसकी जो वैल्यू है मैं यहाँ पे 0 इनिशियलाइज़ कर रही हूँ। यह हमारा जो फ्लैग वेरिएबल है इस प्रोग्राम में एक सिग्नल की तरह वर्क करेगा। मान लो कि अगर हमारा जो फ्लैग है अगर 0 आता है तो हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, और अगर 1 आता है तो हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मुझे सिंपल एक मैसेज प्रिंट कराना होगा यूज़र को, ताकि उसे पता चले कि यहाँ पे हमें एक नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक स्कैनर क्लास लेना होगा जिसके मदद से हम यहाँ पे यूज़र के द्वारा इनपुट करा सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने इनपुट वेरिएबल लिया है, और जैसे ही हमारा ये जो इनपुट डॉट नेक्स्ट इंटीजर है, ये हमारी जो मेथड है, ये मेथड की मदद से हमारा जो यूज़र है वो कीबोर्ड की मदद से जो वैल्यू इनपुट करेगा, तो वो वैल्यूज़ ये जो मेथड है वो रीड करेगा। तो जैसे ये रीड करेगा तो मैं यहाँ पे नंबर में उसे असाइन करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल पहले एक इफ़ कंडीशन लूँगी कि हमें यहाँ पे जो हमारा 0 और 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे इसे फिक्स कर देना होगा। ताकि अगर मान लो हमारा जो नंबर है वो अगर 0 आता है या फिर हमारा नंबर यहाँ पे 1 आता है, तो हमारा टर्मिनल में यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एल्स पार्ट में आएगा। यहाँ पे मैं फॉर लूप लूँगी। फॉर लूप को यहाँ पे मैं 2 से स्टार्ट करूँगी क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 और 1 यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं। और क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 नहीं आ सकता है क्योंकि ये हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं आई को 2 से स्टार्ट कराऊँगी। और मैं यहाँ पे आई को चलाऊँगी हमारा जो नंबर है उसके हाफ नंबर से। यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए उसके हाफ नंबर से, इसलिए मैंने यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू नंबर बाय 2 लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आई प्लस प्लस होना चाहिए। जैसे ही हमारा यहाँ पे फॉर लूप यानी कि उसकी जो कंडीशन है वो अगर ट्रू होती है, तो यहाँ पे हमें इफ़ कंडीशन में यहाँ पे एक कंडीशन दूंगी कि हमारा जो नंबर है वो अगर आई से डिवाइड होता है तो यहाँ पे सिंपल हमें मैसेज प्रिंट कराना होगा कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सक्सेसफुली 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें लिखना होगा कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। और जैसे ही यहाँ पे हमें प्राइम नंबर नहीं मिलता है तो यहाँ पे हमें लिखना होगा फ्लैग इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, और फ्लैग 1 है यानी कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल इसे ब्रेक करूँगी। जैसे ही यहाँ पे हमारा इफ़ कंडीशन ब्रेक हो जाता है, उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप के बाहर यहाँ पे मैं एक और इफ़ स्टेटमेंट लूँगी, और उसमें यहाँ पे मैं लिखूँगी कि अगर हमारा जो फ्लैग है वो 0 होता है तो यहाँ पे सिंपल हमें मैसेज प्रिंट कराना होगा कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर का प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। तो चलो हम इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टर्मिनल में यहाँ पे हमें एक नंबर इनपुट करना है, तो मैं यहाँ पे 29 इनपुट करा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो 29 है वो प्राइम नंबर है, यानी कि 29 1 से डिवाइड हो रहा है और इट खुद से डिवाइड हो रहा है। तो चलिए मैं एक और बार रन करके आपको दूसरे नंबर से चेक कराती हूँ कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं। तो मैं यहाँ पे 25 ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो 25 है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा जो 25 है वो 1 से डिवाइड हो रहा है, प्लस खुद से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आप इसी तरह किसी भी नंबर को आप चेक करा सकते हैं।
सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलते रहे। और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।